आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कैफे स्टाइल हनी चिली पोटैटो। इसे बनाने के लिए एक बोल में 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस लेंगे, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट, 3 छोटे चम्मच टमेटो केचप, 2 छोटे चम्मच विनेगर, 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल को अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स न रह जाए। घोल तैयार होने के बाद इसमें 2 चम्मच शहद डालेंगे, 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। वेस्टर्न स्टाइल हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है बाजार में मिलने वाले ये फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज। आप चाहें तो घर में भी आलू के लंबे लच्छे बनाकर हनी चिली बना सकते हैं, लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी ये बनाना होता है, तो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये बाजार में मिलने वाली फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज। इन फ्रेंच फ्राइज को हम गरम तेल में पहले फ्लैश फ्राई कर लेंगे। फ्लैश फ्राई करने से हमारा हनी चिली और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। जब फ्रेंच फ्राइज थोड़ी सी लाल हो जाए तो इन्हें हम निकाल के अलग एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम बाकी की सारी फ्रेंच फ्राइज को हाफ फ्राई फ्लैश फ्राई कर लेंगे। जब हमारी सारी फ्रेंच फ्राइज अच्छे से फ्लैश फ्राई हो जाएंगी तो हम इसी गरम तेल में इन्हें दोबारा डालकर अच्छे से फुल फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं हमारी फ्रेंच फ्राइज कितनी गोल्डन क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर में इसको रख देंगे ताकि सारा तेल जो है इसमें से बाहर निकल जाए। हनी चिली पोटैटो की ग्रेवी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 2 कड़छी तेल डालेंगे। तेल गरम होने पर उसमें 2 चम्मच कटा हुआ अदरक लहसुन और 1 कटी हुई लंबी हरी मिर्च डालेंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे और अब इसमें 1 छोटा कटा हुआ प्याज डालेंगे
शिमला मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। याद रखिएगा, हमें इन सब्जियों को ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा हल्का सौते होने देंगे ताकि सब्जियों का कच्चा स्वाद ना आए। एक से दो मिनट सब्जी को पकाने के बाद इसमें हरा प्याज डालेंगे। हरे प्याज के पीछे का हिस्सा ही डालें तो वो ज़्यादा स्वाद देगा। अब इसमें स्वादानुसार नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने सोया सॉस और बाकी सॉस का पेस्ट बनाया था वो इसमें डालकर इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे। जब ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे इसमें हल्का सा पानी डाल इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे। ग्रेवी थिक हो जाने के बाद इसमें हमारे फ्राई किए हुए फ्रेंच फ्राइज डाल देंगे। फ्रेंच फ्राइज को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर उन्हें ग्रेवी से पूरी तरीके से कोट कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज को अच्छे से कोट करने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डालेंगे। देखते हैं, तिल के साथ गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हनी चिली पोटैटो बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल जस्ट कुक इट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं।